हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द किचन्स वर्ल्ड। आज मैं आप सभी के साथ इंस्टेंट मावा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यदि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या पैन को लेंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। जब घी अच्छी तरह से पिघल जाए तब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और इसमें एक कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे। यहाँ मैंने सारा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। हमारा मिक्सचर धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। हम इसे कुछ मिनट और पकाएंगे। हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है और ये एक डो की तरह एक साथ फॉर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा इंस्टेंट मावा रेडी है। हम इसे एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करके 2 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और इससे आप जो भी चाहें अपने पसंद की मिठाइयाँ बना सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।